जयपुर का रुख करते राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं। सचिवालय से रवाना हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अब राजभवन से ये तस्वीरें। राजभवन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और राजभवन से संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्या वहां पर कार्यक्रम है, क्योंकि कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं सीएम? जी देखिए श्वेता, ये जो कार्यक्रम है संविधान पार्क के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम है। राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा और जेडीए की ओर से इसका निर्माण होगा। और किस किस तरह का पूरा प्रारूप होगा, किस तरह का संविधान पार्क बनेगा, किस तरह की स्टैचू में लगेंगी और जो कलाकृतियां हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी, उस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी ले रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं वो, और जो आर्किटेक्ट है अनूप बड़तरिया, जो कि जेडीए से जुड़े हुए हैं, वो इस बारे में उनको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ और किस तरह के यहाँ आर्किटेक्ट यहाँ पर लगाए जाएंगे, कलाकृतियां लगाई जाएंगी। और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या संविधान में जिनका योगदान रहा है संविधान निर्माण में, उन सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। उस बात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझ रहे हैं कि किस तरह का संविधान पार्क यहाँ पर बनेगा। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा और राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान पार्क के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और बिल्कुल, यानी शिलान्यास कार्यक्रम में भारत के पहले संविधान पार्क का, सीएम को उसी की डिटेल यहां पर दे रहे हैं आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया काशीराम, कि किस तरह का ये पार्क रहेगा। जी बिल्कुल, किस तरह का ये पार्क रहेगा इसी की डिटेल वो दे रहे हैं। साथ में जेडीसी गौरव गोयल भी यहां पर मौजूद है, वो भी जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि जो संविधान पार्क होगा तो उसमें किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कोई पार्क में क्या क्या कलाकृतियां यहाँ पर बनाई जाएंगी। और मुख्य बात ये होगी कि संविधान पार्क के निर्माण में जेडीए इसकी भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र भी यहाँ कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो फिलहाल तो केवल बैनर्स के जरिए दिखाए गए हैं और पोस्टर्स लगाए गए हैं कि किस तरह से संविधान पार्क बनेगा, लेकिन ये जब मूर्त रूप लेगा, जब ये कलाकृतियां यहाँ पर लग जाएंगी और उन पर सभी तरह की जानकारी मिल सकेगी और फिर ये आम जनता के लिए भी खोला जाएगा, एक दिन यहाँ पर आम जन भी देख सकेंगे कि किस तरह से संविधान बनाया गया था भारत का। और उसी वजह से आज का दिन चुना गया है गणतंत्र दिवस, क्योंकि आज के दिन ही संविधान लागू हुआ था। आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है देश भर में। ग्रेटर मेयर सील धवाई भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव हैं सुबीर कुमार, वो भी मौजूद है। साथ में प्रमुख ओएसडी जो है उनके गोविंद राम जायसवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद है। तो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है और ब्रीफिंग के तुरंत बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और शिक्षा पर्यटन के लिहाज से जयपुर को बड़ी सौगात है जो मिलेगी, कितना वक्त इसका निर्माण में लगेगा और शिलान्यास कब तक होगा, राज्यपाल कब तक पहुंचेंगे? जी देखिए, इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और बस कार्यक्रम में शुरू ही होने वाला है और अब निरीक्षण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके बाद मुख्य कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होगा, जिसमें की विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया है और थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जहाँ पर की राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान पार्क के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। जेडीए द्वारा स्मार्ट सिटी का जो बजट है उसके तहत ये संविधान पार्क का निर्माण होना है और जेडीए द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा और ये कार्य जल्द से जल्द पूरा करा करके और इसे आमजन के लिए खोला जाएगा, विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा, विद्यार्थी विजिट कर सकेंगे और हमारे जो देश का संविधान है किस तरह से उसका निर्माण हुआ, किस तरह से कितने समय में इसे लागू किया गया, उन सब बातों के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी रहेगी। साथ ही देश जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में भी ब्रीफ में यहाँ पर नॉलेज मिल सकेगी। बिल्कुल, तो उसे इसी का शिलान्यास है। शिलान्यास के बाद काशीराम, कहा जा रहा है कि एक साल का वक्त है, एक साल में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, यानी डेडलाइन रखी गई है कि आज शिलान्यास के बाद काम जल्द से जल्द शुरू हो। जी बिल्कुल, राजभवन ने जो जेडीए को निर्देशित इस बारे में किया है कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा कर लिया जाए, जिससे कि इसे आमजन के लिए अगले गणतंत्र दिवस तक खोल दिया जाए और आमजन यहाँ पर देख सके, हमारे गणतंत्र के बारे में, हमारे संविधान के बारे में जान सके
और किस तरह से पूरी प्रक्रिया रही थी, कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराया, फिर उसके बाद संविधान का यहाँ पर निर्माण हुआ, उस सब के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर कलाकृतियाँ और जो है पोस्टर्स वो सभी लगाए जाएंगे और आमजन इसका अगले साल और बाद इसको विजिट कर सकेंगे। जी बिल्कुल, और ये बेहद खास रहेगा काशीराम, क्योंकि पार्क तो बहुत है लेकिन संविधान पार्क बनाना, निर्माण करना जो एक साल में बनकर तैयार होगा, फायदा भी बहुत होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये युवाओं के लिए, छात्रों के लिए भी इसे खोला जाएगा, क्या इसे लेकर जानकारी थी कि क्या कुछ खास इस पार्क में रहने वाला है, क्योंकि इसे बना शायद आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ही रहे, उन्हीं का डिजाइन है। जी बिल्कुल, उन्हीं का डिजाइन है। देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र का शुरू से एक विजन रहा है कि वो संविधान की महत्ता को लगातार आम जन तक पहुंचा सकें, और जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना है उसका वाचन करते हैं, संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो अधिकार हैं, उनका भी वो वाचन करवाते हैं जिस भी कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। और साथ ही प्रदेश भर के जो विश्वविद्यालय हैं, राज्य के द्वारा वित्त पोषित जो विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में भी संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत तमाम विश्वविद्यालयों में संविधान पार्कों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, और उसी थीम पर राजभवन में भी संविधान पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें की 45 अलग अलग कलाकृतियां यहाँ पर लगाई जाएंगी और उसमें संविधान के बारे में मूल जो बातें हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, संविधान निर्माताओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो संविधान से जुड़े रहे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में भी यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी दी जाएगी। तो जो पूरा आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया ने तैयार किया है और JDA द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर किया जाना है, जो कि साल भर के अंदर पूरा करने का यहाँ पर टारगेट रहेगा, और उसके बाद इसे आमजन के लिए खोला जाएगा। प्रदेश के जो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पर विजिट करने के लिए मौका मिलेगा, आमजन भी यहाँ पर आ सकेंगे, और राजभवन विजिट के साथ ही जो संविधान पार्क है वो यहाँ पर विजिट करेंगे। तो एक ये अच्छी पहल है राज्यपाल कलराज मिश्र की, न केवल संविधान के बारे में जानकारी देने की बल्कि राजभवन के बारे में भी उनको एक जानकारी यहाँ पर मिल सकेगी। जी बिल्कुल, तो अभी देख रहे हैं वो कि किस तरह का रहेगा और ये डिटेल पूरी यहाँ पर अनूप भरतरिया बता रहे हैं उन्हें, लेकिन क्या इसी के बाद ही शिलान्यास है काशीराम, और कौन कौन मौजूद रहेगा उस वक्त? जी बिल्कुल, ये जो ब्रीफिंग चल रही है जिसमें कि पार्क का जो डिजाइन रहेगा, किस तरह से होगा, निर्माण होगा, ये सब इसके बारे में आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र को, और इसके बाद ये कार्यक्रम होगा जहाँ की राज्यपाल कलराज मिश्र का शिलान्यास करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं JDA यूनियन से जुड़े हुए वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें की प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा है, ग्रेटर मेयर तिल धबाई है, और भी जो तमाम अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर में ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। राजभवन के अधिकारी सभी मौजूद हैं यहाँ पर और साथ में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और शिलान्यास के बाद क्या कुछ रहेगा, या शिलान्यास के साथ ही कार्यक्रम खत्म, क्या CM वहां से रवाना हो जाएंगे, आगे क्या कार्यक्रम, इसे लेकर कोई जानकारी? इसमें तो देखिए शिलान्यास जो कार्यक्रम है इसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल की हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू हो, अकेले में बातचीत हो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो कन्फर्म इसका डिटेल्ड प्रोग्राम नहीं है, और ये राजभवन की तरफ से भी नहीं कहा गया कि कोई उनकी औपचारिक मुलाकात है, अनौपचारिक रूप से हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए बातचीत करें और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्यक्रम बस शुरू ही होने वाला है, थोड़ी देर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को करेंगे, संबंध करेंगे। बिल्कुल, और जैसे कि हमने कई बार देखा भी है कि दीक्षांत समारोह में जब संबोधित भी करते हैं राज्यपाल, संविधान की महत्ता और संविधान को लेकर युवा गंभीर हो ये उनकी कोशिश रहती है, और उनके संबोधन में भी हमेशा नजर आता है काशीराम, विजन क्या संविधान पार्क का राज्यपाल का ही था? जी निश्चित रूप से ये जो विजन रहा है ये राज्यपाल का ही रहा है, राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान की महत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है वो प्रत्येक कार्यक्रमों में यही प्रयास करते हैं कि सबसे पहले संविधान के बारे में जानकारी दी जाए, संविधान की प्रस्तावना को वो खुद पढ़ते हैं और कार्यक्रम में जो भी मौजूद लोग रहते हैं उनसे भी वो पढ़वाते हैं, रिपीट करवाते हैं, और हर एक कार्यक्रम में उनका ये निश्चित शेड्यूल है कि उसमें वो रहेंगे ही रहेंगे। सांसद रामचरण बोहरा भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी पहले से मौजूद हैं, मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, और भी जो तमाम अधिकारी हैं JDA UDS के वो सभी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो थोड़ी देर में ये कार्यक्रम बस शुरू होने वाला है, और राज्यपाल का जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि संविधान के बारे में देश का प्रत्येक नागरिक
खासतौर पर कि युवा पीढ़ी जो है, विद्यार्थी जो है हमारे, वो जागरूक रहे, उनको इस बारे में जानकारी मिले कि संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया, संविधान की खास बातें क्या है, उसमें हमारे अधिकार क्या है और उसके प्रति हमारी कर्तव्य क्या है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो युवाओं के कर्तव्य है उनको युवा समझें, जाने देश के बारे में समझें। तो यही प्रयास राज्यपाल कलराज मिश्र का रहा है और उसी को मूर्त रूप देने के लिए संविधान पार्क का जो निर्माण है वो राजभवन किया जा रहा है। देखिए सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ये लगभग तैयार है बनकर के, और उसी तरह की स्थितियां सभी विश्वविद्यालयों में है कि यहाँ पर संविधान पार्क किसी जगह बनाया जा चुका है और कहीं पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो उसी स्थिति में यहाँ राजभवन में भी संविधान पार्क का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है और जेडीए द्वारा ये निर्माण किया जाएगा और साल भर में ये निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत ये सभी कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। काशीराम बिल्कुल समझ नहीं बिचाएंगे ये संविधान पार्क किस तरह से रहेगा, क्योंकि मंशा तो यही कि संविधान को समझा जाए और इस पार्क में आकर डिटेल से युवा देख सके और बार बार फोकस युवा छात्रों पर किया जा रहा है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और सीएम और राज्यपाल को भी ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह का संविधान पार्क रहेगा। क्या खासियत इसकी रहेगी, क्या स्टैचू के माध्यम से या फिर रिटर्न में कुछ चीजें रहेंगी जो लोग पढ़ सकेंगे समझ सकेंगे? निश्चित रूप से कलाकृतियां रहेंगी यहाँ पर और जिन पर की न केवल चित्रकारी की जाएगी, साथ ही यहाँ पर रेटिंग में भी इतिहास के बारे में भी यहाँ पर काफी कुछ दर्ज होगा और ये जो कलाकृतियां हैं वो आर्किटेक्ट अनूप बड़तरिया द्वारा डिजाइन यहाँ पर की जाएंगी और उनको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा उन कलाकृतियों को। फिर उसके बाद संविधान के बारे में जो सभी तरह की मूल जानकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी और जिससे कि आम जन यहाँ पर समझ सकें कि भारत का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ, किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही इसे बनाने में, तैयार करने में और फिर किस तरह से इसे पूरा लागू किया गया, संविधान सभा के बारे में जानकारी यहाँ पर पूरी दी जाएगी। साथ ही जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका की देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा उन सबके बारे में भी यहाँ पर ब्रीफ में जानकारी मिल सकेगी। कुल मिलाकर करीब 45 स्टैचू कलाकृतियां यहाँ पर निर्मित की जाएंगी, लगाई जाएंगी और इन सबको यहाँ पर आमजन भी देख सकेंगे, विजिट कर सकेंगे। इसका एक राजभवन द्वारा खाका तैयार किया जाएगा और इसके बाद राजभवन को आमजन के लिए भी खोले जाने की तैयारी है। बिल्कुल, और इसलिए इसको इसे डिटेल में समझ भी रहे हैं राज्यपाल की किस तरह का डिज़ाइन होगा, किस तरह से बनकर तैयार होगा। और काशीराम ये भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर विजन उनका है और जैसा कि वो चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए, अब उस पर काम किया जा रहा है तो कोई कमी ना रहे, कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए भी बहुत विस्तार से उन्हें बताया भी जा रहा है और वो दिलचस्पी के साथ उसे देख भी रहे, समझ भी रहे। जी बिल्कुल, इसी वजह से यहाँ पर काफी दिलचस्पी ले रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों ही संविधान के प्रति काफी लगाव रखते हैं खासतौर पर, और उसी वजह से यहाँ पर प्रत्येक जो भी कलाकृति यहाँ पर लगाई जानी है उसके बारे में वो डिटेल में ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और देखिए आप जो कार्यक्रम है वो शुरू ही होने वाला है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही साथ साथ यहाँ पर मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और विधिवत रूप से अब इनका जो शिलान्यास है वो यहाँ पर थोड़ी देर में होगा। ग्रेटर मेयर सिर धावाई भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जो कार्यक्रम है जो संविधान पार्क का निर्माण होना है उसके बारे में जानकारी देती हुई नजर आ रही है। जेडीसी गौरव गोयल भी यहाँ पर मौजूद है और यूडीएस के जो प्रमुख सचिव हैं कुलदीप मीणा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राज्यपाल के सचिव हैं सुबीर कुमार, प्रमुख सचिव सुबीर कुमार वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, प्रमुख ओएसडी गुरुराम जायसवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, मुख्यमंत्री कार्यालय के भी कई अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और साथ में मुख्य रंजन आज समेत जो कई अधिकारी हैं वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा और जिसमें कि राज्यपाल कलराज मिश्र इसका शिलान्यास करेंगे कार्यक्रम का। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में शिलान्यास होगा, जैसे कि तस्वीरें भी आप सब देख रहे हैं, सहयोगी काशीराम लगातार ये जानकारी भी दे रहे हैं कि भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास है, ये विजन राज्यपाल का और हमेशा से वो कहते भी हैं कि संविधान को समझना जरूरी है, संविधान की पालना जरूरी है और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम उसे समझ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए बार बार वो ये बातें कहते हैं कि कुछ होना चाहिए, संविधान को समझना क्यों जरूरी है, क्यों इसे जानना जरूरी है, क्योंकि हम बातें करते सिर्फ संविधान क्या है समझ लेना नहीं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं विस्तार से पता होना चाहिए और युवा पीढ़ी का खुद इस पर दिलचस्पी होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए और इसी कोशिश में ही ये विजन निकल कर आया कि क्यों ना राजधानी में, राजस्थान में, जयपुर में
इस तरह का पार्क हो, संविधान पार्क, और उसी का शिलान्यास है कुछ देर में ही होगा। काशीराम लगातार इसे लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं। काशीराम, कुछ ही देर में आपने जैसा कि बताया कि शिलान्यास किया जाएगा, कितनी देर का ये कार्यक्रम रहेगा और शिलान्यास के बाद क्या किसी तरह से मीडिया से भी रूबरू होंगे? राज्यपाल कुछ अपनी बात कहेंगे इससे लेकर, सीएम कुछ कह सकते हैं या फिर ऐसा कुछ अभी कार्यक्रम में नहीं है? जी देखिए श्रोता, ये जो कार्यक्रम है पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है और काफी कम संख्या में लोग यहाँ पर जुटे, इस तरह का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजभवन के अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी और यूडीएस जेडीए के अधिकारी है वही यहाँ पर बुलाए गए हैं और कार्यक्रम संक्षिप्त रहेगा। कुल मिलाकर इसमें संबोधन होंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के, और संबोधन के बाद यहाँ पर मीडिया से ब्रीफिंग्स का कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं रखा गया है, यानी कि मीडिया से बातचीत वो नहीं करेंगे और संक्षिप्त कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल की हो सकता है थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो, आपस में बातचीत भी हो, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियली कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। और जब ये कार्यक्रम हो जाएगा पूरा, उसके बाद मुख्यमंत्री वापस मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे और थोड़ी देर का ही ये कार्यक्रम रखा गया है, करीब घंटे भर चल सकता है कार्यक्रम संभावित रूप से, यही बताया जा रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मौजूद हैं, साथ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम अधिकारी हैं राजभवन के और ये मुख्यमंत्री कार्यालय के, जेडीए यूडीएन के, वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिल्कुल, और राजभवन के किस हिस्से में कहाँ पर ये पार्क होगा? जैसा कि आपने कहा कि आम जन के लिए होगा या फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए इसे ओपन रखा जाएगा या कुछ वक्त के लिए ओपन होगा या फिर इसे लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है कि क्या रूपरेखा रहेगी? जी देखिए, ये जो पार्क बनाया जा रहा है राजभवन का जो गेट नंबर 2 है उसके पास एक गार्डन है, उसी में ये विकसित यहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरह से कि ये जो बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं जहाँ पर की जानकारी दी जा रही थी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को, वो भी यहीं पर लगाया गया है जो मुख्य गार्डन है, और इसमें ही ये संविधान पार्क के निर्माण कार्य किया जाना है और फिर उसके बाद इसे आमजन के लिए भी खोला जाएगा। यहाँ पर जो कलाकृतियाँ लगाई जाएंगी, 45 अलग अलग तरीके की जो विशिष्ट कलाकृतियाँ होंगी जिन पर की संविधान के बारे में जानकारी दी जाएगी, संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, संविधान की प्रस्तावना है, संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं उन सब के बारे में जो जानकारी होगी वो सभी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। और इसका निर्माण करीब साल भर में करने का यहाँ पर लक्ष्य तय किया गया है और भी कुछ जो सौंदर्यकरण के जो कार्य हैं जिनके द्वारा यहाँ पर आगे बढ़ाए जाएंगे और उन सब कार्यों के बाद देखिए अब यहाँ पर राज्यपाल देखेंगे आपको शिलान्यास करते हुए जो शिलालेख है उसका अनावरण करते हुए वो नजर आ रहे हैं और इसे उन्होंने अनावरण किया है बटन दबा करके और यहाँ पर शिलान्यास का जो पट्टिका है उसका अनावरण उन्होंने किया है। संविधान पार्क के निर्माण का जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया है बटन दबा करके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी उनके साथ ही इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जी राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है, जैसा कि तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं और उससे से लेकर पूरे विस्तार से जानकारी भी संवाददाता काशीराम हमें दे रहे हैं। बेहद अहम है ये पार्क, जिस तरह से पूरा इसे इसके डिज़ाइन को तैयार किया गया है, राजभवन के अंदर ही पार्क होगा और जिस तरह से राज्यपाल का कहना भी यही कि ये छात्रों के लिए, युवाओं के लिए इसे ओपन रखा जाएगा ताकि वो आ सके, देख सके, समझ सके और सार्थक हो सकेगा संविधान पार्क का निर्माण करना। पूरी तरह से डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरह से इसमें कलाकृतियाँ रहेंगी, किस तरह से संविधान को लेकर डिस्क्राइब किया जाएगा, विस्तृत जानकारी इसमें दी जाएगी ताकि जो भी इस पार्क में आए वो पढ़ सके, एक नज़र देख भी सके और उससे समझ सके संविधान को लेकर भी, और यही मंशा इस पार्क के निर्माण को लेकर है। एक साल का वक्त कहा जा रहा है कि एक साल में ये निर्माण पूरा हो जाएगा, एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि इसका लोकार्पण एक साल में कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जहां विस्तार से जानकारी आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने भी दी राज्यपाल को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और ये आप देख सकते हैं विधिवत शिलान्यास की ये तस्वीरें। काशीराम लगातार हमारे साथ बने हुए, काशीराम हम देख पा रहे हैं विधिवत शिलान्यास की प्रक्रिया हो रही है मंत्रोच्चार के साथ। राज्यपाल यहाँ पर विधिवत रूप से शिलान्यास कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने जो शिलान्यास पट्टिका थी उसका भी अनावरण किया है बटन दबा करके
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही यहाँ पर बैठक में मौजूद है। और अब जो है निर्माण कार्यों के लिए जो शिलान्यास किया जाना है उस शिलान्यास के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और बकायदा विधिवत रूप से ये मंत्रोच्चार के साथ इसका शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र पूजा में सब बैठे हुए हैं, जो पंडित हैं वो बकायदा शिलान्यास के लिए यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री साथ में मौजूद हैं। सांसद रामचरण बोरा की तस्वीरों में दिख रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रेटर मेयर की जो सिंह धावाई है ग्रेटर मेयर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में JDA UDS और मुख्यमंत्री कार्यालय राजभवन के ये सभी अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो अभी शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है, शिलान्यास के लिए यहाँ पर पूजा की जा रही है और उसके बाद संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल का, और इसके बाद इसे JDA द्वारा जल्द से जल्द तैयार करने की कवायद की जाएगी। यहाँ पर सभी अधिकारी जो है खुद मौजूद हैं, साथ ही UDS के प्रमुख सचिव हैं जिलाल मीणा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजभवन के जो अधिकारी हैं वो सभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूजा के बाद यहाँ पर शिलान्यास जारी कार्यक्रम है ये भी होगा, जिसमें की मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का ही यहाँ पर संबोधन होगा, जिसमें की मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का ही यहाँ पर संबोधन होगा। बिल्कुल, तो शिलान्यास के बाद संबोधन भी होगा मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जहां मंत्रोच्चार के साथ विधिवत शिलान्यास किया जा रहा है, पूजन यहां पर किया जा रहा है ताकि शुभ शुरुआत हो, जल्द से जल्द इसका निर्माण हो। जैसा कि डेडलाइन यहां पर तय की गई कि एक साल के अंदर संविधान पार्क बनकर तैयार हो जाए, इसका लाभ युवाओं को मिल सके, मंशा जो इस पार्क को बनाने की रहेगी वो पूरी हो सके, और इसी की कवायद है जब शुरुआत की जा रही है शिलान्यास के साथ। तो शिलान्यास की ये तस्वीरें जहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र शिलान्यास कर रहे हैं विधिवत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जयपुर ग्रेटर महापौर की मौजूदगी है शील धाबाई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सांसद रामचरण बोहरा मौजूद हैं और आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया भी यहाँ पर मौजूद है, जो पहले विस्तार से डिजाइन दिखा रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरह का ये पार्क होगा, कैसा निर्माण होगा और इसका कॉन्सेप्ट जिस तरह से बताया गया है कैसे ये युवाओं को आकर्षित करेगा, तो इसे लेकर वो पूरी जो प्लानिंग है उससे रूबरू करवा रहे थे राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और उसके बाद अब ये तस्वीरें जब शिलान्यास किया जा रहा है, विधिवत पूजन यहाँ पर हो रहा है ताकि शुभ शुरुआत हो, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन से। संवाददाता काशीराम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। काशीराम, अभी और कितना वक्त शिलान्यास में लगेगा और इसके बाद, जैसा कि आपने कहा हालांकि पहले तय नहीं था लेकिन अब क्या कार्यक्रम तय है कि इसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे और राज्यपाल अपनी बात रखेंगे इसे लेकर? जी देखिए, मीडिया से बातचीत करने का उनका कार्यक्रम नहीं आया है, क्योंकि देखिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है पूरा, और यहाँ पर मीडिया को इसी कार्यक्रम से दूर रखा गया है कि कम संख्या में लोग जुटे हैं और कोविड फैलने जो आशंका है वो यहाँ पर नहीं रहे, तो इसी वजह से संक्षिप्त रूप से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जहाँ पर की काफी कम संख्या में लोगों को इन्वाइट किया गया है। और राज्यपाल यहाँ पर देखिए शिलान्यास निर्माण कार्यों का जो है और वो विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुरुआत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस पूजा के बाद उनका यहाँ पर संबोधन भी होगा, जिसमें कि वो एक रूपरेखा जो है बनाई गई है संविधान पार्क के बारे में उसके बारे में भी जानकारी देंगे, किस तरह से संविधान पार्क निर्माण का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने लागू करवाया पूरे प्रदेश में, तो राज्यपाल इस बारे में भी जानकारी देंगे और संविधान के बारे में जानने की उसके बारे में समझने के लिए किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन सब के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, क्योंकि देश भर के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें राज्यपाल पहले से ही संविधान पार्क के बारे में आइडिया दे चुके हैं और सभी विश्वविद्यालयों में इसके निर्माण की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है, तो युवाओं को संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए खासतौर पर ये प्रयास है जो कि राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया है। और उन्हीं की पहल पर, चूंकि वो हर कार्यक्रम में खुद भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसका दूसरे जो उपस्थित लोग मौजूद रहते हैं उनको भी वाचन करवाते हैं, तो संविधान के बारे में हर कोई समझे जाने और किस तरह से संविधान हमारा तैयार किया गया है, इसमें किस तरह के मूल कर्तव्य हैं हमारे देश के लिए, संविधान के लिए, और क्या हमें अधिकार मिले हुए हैं, इन सब की जानकारी वो देने का प्रयास करते हैं। और उसी दिशा में संविधान पार्क भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके बारे में
कुल 45 जो है कलाकृतियां जो शिल्पकृतियां हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिनके में की ये जानकारी होगी कि किस तरह से संविधान को बनाया गया, संविधान का प्रारूप बनाया गया, इसे स्वीकार किया गया, किस तरह से इसे लागू किया गया, और ये जो सारी जानकारी है वो संविधान पार्क में अलग अलग चित्रों के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई जाएगी, जो कि अगले साल में जीजी द्वारा इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये पहला संविधान पार्क होगा काशीराम, क्या इसके विस्तार को लेकर भी कुछ किया जाएगा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे और राज्यपाल भी करते रहे कि विश्वविद्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वो अपने संबोधन में कहते हैं, हो सकता क्या माना जाए कि इसके निर्माण के साथ ही इसकी कितना फायदा इससे छात्रों को मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, और इसका विस्तार किया जा सकता है आने वाले वक्त में दूसरे शहरों में भी? जी बिल्कुल, देखिए सभी विश्वविद्यालयों में, चूंकि प्रदेश में करीब 28 विश्वविद्यालय हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने की पहल की जा चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र जब भी कुलपतियों का जो सम्मेलन होता है, जब भी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करते हैं, तो इस बात पर खासा जोर देते हैं कि सबसे पहले संविधान पार्क का यहाँ पर निर्माण किया जाए, क्योंकि संविधान ही ऐसी व्यवस्था है देश की जो कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखती है, और युवाओं को इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उनका मानना है, राज्यपाल का मानना है कि युवा सबसे पहले अपने संविधान को समझें, देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझें, उन्हें क्या कर्तव्य है उनके उनको समझें, उन्हें किस तरह के अधिकार संविधान में मिले हुए हैं उन सबको जानें, और तभी वो देश के विकास में, प्रगति के पथ पर ले जाने, आगे ले जाने में उन सब में अपना योगदान दे सकेंगे। तो युवाओं को खासतौर पर जागरूक करना चाहते हैं राज्यपाल, और उसी दिशा में यहाँ पर संविधान पार्क का जो निर्माण का कंसेप्ट है वो उन्होंने लागू किया है, जो कि न केवल राजभवन में बनाया जा रहा है संविधान पार्क, साथ ही प्रदेश के जो सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में भी एक एक संविधान पार्क प्रत्येक विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है, और युवा इसे देख सके, समझ सके, संविधान के बारे में जानकारी ले सके, उसी का कंसेप्ट यहाँ पर रखा गया। देखिए एक ही तरह का प्रारूप बनाया गया है यहाँ पर, जो मुख्य प्रारूप है आर्किटेक्ट अनूप पड़तरिया ने तैयार किया है, और यहाँ पर उसके बारे में